पब्लिक टीवी आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के नाको पुलिस सहायता केंद्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम सरभोका की रहने वाली 50 वर्षीय मानमती को गत रात्रि में जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि ग्राम सरभोका की रहने वाली मानमती अपने घर में अपने परिजनों के साथ चारपाई पर सो रही थी, तभी उसको एहसास हुआ कि घर में सांप घुस गया है। चिल्लाते हुए अपने परिजनों को उठाया। परिजन उठते ही सांप को इधर उधर खोजने लगे, तभी परिजनों की नजर दूसरे घर में सो रहे परिजनों की चारपाई के पास जहरीला सांप देखा, जिससे आस पड़ोस की सहायता से जहरीले सांप को मार दिया गया। लेकिन मानमती को सांप काटने का एहसास नहीं हुआ। अचानक उसका ध्यान अपने हाथ पर गया तो उसने अपने परिजन को बताया। परिजनों ने देखा कि उसके हाथ में सांप के दांत से कांटे का निशान था, जिसको जल्द से जल्द नागपुर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और उसे जिला अस्पताल बैकुंठपुर के लिए भेज दिया गया। घटना 1 से 2 बजे के बीच की थी, लेकिन जिला चिकित्सालय से एम्बुलेंस आने से काफी समय लग गया, जिसके चलते पूरे शरीर में जहरीले सांप का जहर चढ़ चुका था, जिससे बैकुंठपुर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कुछ क्षणों के बाद मृतक घोषित कर दिया। बताया जाता है कि समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाती तो मानमती की जान बच सकती थी, परंतु लापरवाही की वजह से मानमती अपने बच्चों और परिजनों को छोड़कर चली गई। जानकारों का कहना है कि जहरीले सांप का काटा कोई नहीं बचाता है, जिसका जहर इतना तीव्र गति से शरीर में फैलता है कि कुछ ही क्षणों में आदमी की मौत हो जाती है, जिसे डंडा करेत कहते हैं, जो कि अक्सर इस क्षेत्र में देखा जाता है। इस बारिश के सीजन में ग्रामीणों की मौत होती आ रही है, परंतु शासन की लापरवाही से ग्रामीणों की इस तरह मौत होती जाती है। अगर समय रहते एम्बुलेंस और एंटीवायरस दवाइयां उक्त महिलाओं को मिल जाती तो शायद उस महिला की जान बच जाती। इस संबंध में परिजनों ने बताया कि मानमती हॉस्पिटल पहुंचने तक जिंदा थी और सुबह तक उसका शरीर गर्म था, लेकिन रात्रि में उसे मृत घोषित कर दिया। आकाश सिंह, कल रात में यहां सांप घुस गया रहा करीब 1 बजे का। मेरी होश में थी उस समय, बात कर रही थी। हाँ, तो उसको यहाँ से कैसे ले गए? एम्बुलेंस से ले गए कि वहाँ से एम्बुलेंस ले गए? हाँ, वहाँ से एम्बुलेंस ले के आए। आके हम लोग यहाँ पर रुके 2-3 मिनट। हाँ, फिर उसके बाद लेके गए नागपुर। हाँ, वहाँ क्या हुआ? नागपुर में कहाँ ले गए? नागपुर सरकारी, वहाँ एक ठो डॉक्टर थे, वो देखे। क्या बोली वो? वो बोले कि वो अंदर फिर ले गए डॉक्टर। डॉक्टर के पास भी बोले इसे वो चीज चेकअप होगा। जाओ तुम लोग, लड़के लोग कोई काम नहीं यहाँ पर। फिर हम लोग बाहर आ गए। फिर 2-3 मिनट के बाद आती है मैडम। उसके बाद बोलती है कि नहीं बच पाएंगे। 10-15 मिनट के बाद उसके बाद सुई लगा 10 ठो। फिर बोला है बैकुंठपुर उसको ले जाना पड़ेगा। इसकी माँ उठी थी तो कोई सर्प काट दिया, तो इसको इलाज के लिए बैकुंठपुर ले गए, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है।